विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 11 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। ये सभी परिवार अपने आवास को बना चुके हैं। अक्टूबर माह के अंत में 11 लाख परिवारों को गृह प्रवेश का एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भी 4 लाख के ऊपर परिवारों को हमने इस योजना से लाभान्वित करने में सफलता प्राप्त किया है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में लाभार्थी को 2.5 लाख जिसमें से 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख प्रदेश सरकार दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये सीधे उनके खाते में दे रहे हैं। साथ ही साथ 12,000 शौचालय के लिए अलग से मनरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी भी उपलब्ध करा रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण योजनाओं जो कि आवास की है प्रत्येक लाभार्थियों को उपलब्ध कराने की योजना चल रही और दोनों योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी प्रगति की है। यहाँ पर 100 ऐसे परिवार बांसफोड़ जाति के हैं जो सड़कों पर खानाबदोश की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसे परिवारों को भी हमने आवास उपलब्ध कराया है। आवास उपलब्ध कराने के साथ ही व्यवस्थित प्रवास करने और उनको व्यवस्थित रोज़गार उपलब्ध कराने की भी योजना हम बना रहे हैं जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कुष्ठ रोगी परिवार को भी एक एक आवास और एक एक अन्योदय कार्ड उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग लगभग 11 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराने में अब तक सफल हुए हैं। जो 11 लाख परिवार अपने आवास को लगभग बना चुके हैं, अक्टूबर के अंत में इन 11 लाख परिवारों में गृह प्रवेश का एक बृहद कार्यक्रम प्रदेश सरकार आयोजित करने जा रही है। शहरी क्षेत्र में भी 4 लाख से ऊपर परिवारों को हम लोगों ने इस योजना से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त की है और शहरी क्षेत्र में लाभार्थी को हम 2.5 लाख रुपये जिसमें 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख प्रदेश सरकार दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 प्रत्येक लाभार्थी को हम उसके बैंक खाते में पैसा भेज करके डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। तो साथ ही साथ 12,000 रुपये शौचालय के लिए अलग से और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। ये 2 जो महत्वपूर्ण योजनाएं आवास की हैं, प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराने की योजना चल रही है और दोनों योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी प्रगति की। यहाँ पर 100 ऐसे परिवार जो बांसफोड़ जाति के थे, जो सड़कों पर खानाबदोश की तरह जीवन यापन करते थे, घुमंतू जाति जैसी थी, ऐसे 100 परिवारों को भी आज हमने यहाँ आवास उपलब्ध करवाया है। और आवास उपलब्ध करवाने के साथ ही उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने, उनके रोजगार को और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के सामने भी एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। साथ साथ प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कुष्ठ रोगियों के परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे और हर कुष्ठ रोगी को हम लोग अंत्योदय का कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। अंत्योदय का कार्ड उपलब्ध कराने का कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हुआ है जिसमें अंत्योदय और पात्र गृहस्थी में अंत्योदय में हम प्रत्येक परिवार को 35 किलो खाद्यान्न एक महीने में उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें गेहूँ 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो के हिसाब से हम उस परिवार को देते हैं। पात्र गृहस्थी में भी प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो खाद्यान्न एक महीने में उपलब्ध करा रहे हैं। दाम वही है, गेहूँ 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो। ये अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के कार्ड आज हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि हम एक ऐसा कार्ड जारी करें जिसमें शासन की ये सभी योजनाएं उसके साथ ही उसको मिल जाएं, चाहे वो आवास की हो, शौचालय की हो, पेंशन की योजना हो या और भी जो भी लाभार्थी पर योजनाएं हैं, ये योजनाएं इसके साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी। आज यहां पर हम लोग बहुत सारी अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न किए हैं जिसमें गोरखपुर महानगर और जनपद से जुड़े हुए विकास की ढेर सारी योजनाएं हैं। इसमें सड़कों का भी है, इसमें विद्युत विभाग से भी जुड़ा हुआ है, इसमें विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं भी हैं जो
गोरखपुर महानगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जिसके माध्यम से हो सकता है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके, इस दिशा एक बृहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्राप्त हो, और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उन प्रयासों में बहुत प्रगति, अच्छी प्रगति उत्तर प्रदेश की है। उस अच्छी प्रगति में केवल सरकार ने नहीं बल्कि सभी ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया है। इसमें सरकार भी है, प्रशासन भी है, आमजन भी है, जनप्रतिनिधि भी है, सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसलिए इस कार्यक्रम को ही आज यहाँ पर लागू करने के लिए हम लोग आए हैं। कल देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ होगा, और आयुष्मान भारत की यह कार्यक्रम 11 बजे से ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए 1,18,00,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे, यानी 6 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की योजना 1 साल के लिए कवर करने की सुविधा देने लेंगे। बाकी जो छूटे हुए परिवार हैं उनका भी हम सर्वे करा रहे हैं, उनके लिए भी हम इस प्रकार की योजना लेकर के आने वाले हैं।